राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम खलारी के किसान पुत्र आनंद कंवर द्वारा पिछले दिनों किए गए आत्महत्या के बाद निकलकर सामने आए केसीसी लोन फर्जीवाड़ा मामले में जहां मेड़ा सोसाइटी के तात्कालिक प्रबंधक कुलदीप विश्वकर्मा को जेल हुई है, तो वहीं आज भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले किसानों ने ग्राम मुरमुंदा में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह प्रदर्शन और चक्का जाम किसानों के खाते से फर्जी तरीके से निकाले गए केसीसी लोन को माफ कराने और केसीसी लोन में हुए फर्जीवाड़े के कारण किसान पुत्र आनंद कंवर द्वारा किए गए आत्महत्या के बाद उसके परिवार को राज्य सरकार से 50 लाख रुपए मुआवजा राशि दिलाने की मांग को लेकर किया गया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा कि क्षेत्र के कई गांव के किसानों के साथ केसीसी लोन में फर्जीवाड़ा हुआ है। पूरे मामले का खुलासा आनंद कंवर के आत्महत्या के बाद हुआ। मधुसूदन यादव ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के जिम्मेदारों पर पूरे मामले में समझौता कराने की कोशिश करने का गंभीर आरोप भी लगाया है। साथ ही सभी किसान जो इस फर्जीवाड़े के शिकार हुए हैं, उनके केसीसी लोन को सरकार माफ करे और मृतक किसान पुत्र आनंद कंवर के परिवार को राज्य सरकार 50 लाख का मुआवजा दे। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। से पास के गांव खलारी में आनंद कंवर नामक एक किसान ने आत्महत्या किया था, जिसके साथ फर्जीवाड़ा हुआ और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से हुआ। उनके नाम से लोन निकाल लिया गया और उनको दिया नहीं गया और उस गांव में भी बहुत सारे किसानों को ये राशि उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके अलावा इस क्षेत्र के बहुत सारे गांव हैं, जैसे खलारी के अलावा पिनका पार, मेरे गांव डोंगरे, धनडोंगरी, मेढ़ा, टोला गांव, ढूंढेरा, माटे कट्टा, पिपरिया, मुड़पार, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां के किसानों के साथ इसी प्रकार का बर्ताव हुआ। उनके नाम से फर्जी राशि निकाल ली गई केसीसी के नाम से और वो लोग कर्ज से परेशान है, उनको खाद बीज नहीं मिल रहा है। अब चूंकि जब उनको पता लगा तो आनंद कंवर ने इस कर्ज की परेशानी के चलते आत्महत्या किया, तब ये मामला बाहर आया। इसके पहले जिन लोगों को जानकारी थी वो लोग समझौता कराने की कोशिश कर रहे थे, आपस में बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये मामला उजागर हुए कोई एक साल से अधिक हो गया। और जो जिम्मेदार लोग हैं, सरकार के लोग हैं, जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में काबिज लोग हैं, वो लोग समझौते की बात करते रहे और किसान परेशान होते रहे। आज तक एक भी किसान का लोन जो है शून्य घोषित नहीं किया गया। हमारा यही मांग है कि इन सभी गांव के किसानों का जो फर्जी लोन लिया गया है उसे शून्य घोषित किया जाए। साथ ही जब उत्तर प्रदेश के किसानों को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री 50 लाख रुपए तक के मुआवजा दे सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ के किसानों को क्यों नहीं दे सकते। तो खलारी में जब इस प्रकार की घटना हुई कि उनके अधिकारियों के द्वारा किए गए इस 420 के चलते उनको आत्महत्या करनी पड़ी, तो उनको 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इसी बात को लेकर के आज हमारे यहाँ के एलबी नगर के मंडल और किसान मोर्चा मंडल, इन लोगों ने इस धरना प्रदर्शन और चक्का जाम का आयोजन किया है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट।